हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू ट्रेस टू कनाडा, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आई होप सो आप बेहतरीन कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आई एम आल्सो डूइंग अमेजिंग। तो आज फिर से आपके रूबरू आए हैं कुछ और आपसे शेयर करने के लिए, आपको और चीज़ें बताने के लिए। पहली बार अगर आप चैनल पे आए हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप हमेशा से एक अच्छे कंटेंट को फॉलो करते हैं, सपोर्ट करते हैं। आई होप सो मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। ओके, तो आज बात करेंगे हम कुछ और तथ्यों की और बातों की। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैं कवर करने वाला हूँ टॉपिक ऐसा कि अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है तो आप क्या अल्टरनेटिव से कनाडा में स्टे कर सकते हैं, कितने ऑप्शंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन को कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या तरीके हैं, क्या वे आउट हैं। तो अभी कवर करते हैं गाइस। तो गाइस आज कवर कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज आप स्टे कर सकते हैं कनाडा में। अगर आपका कोई भी वर्क परमिट, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे हो, चाहे आप क्लोज वर्क परमिट पे हो, तो आप क्या अल्टरनेटिव से स्टे कर सकते हैं, तो केस बाय केस स्टडी करते हैं। पहली बात ये कि सपोज़ करो, पहले एग्जांपल के तौर पे चलते हैं। फॉर इंस्टांस, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे हैं, आपने स्टडी कनाडा से की है, आपका वर्क परमिट चाहे 6 महीने का हो रह गया हो, चाहे आपका 1 महीने का रह गया हो, तो आपके पास क्या अल्टरनेटिव है तो हम कवर करते हैं। फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं, अगर आपका वर्क परमिट सिर्फ 1 मंथ का रह गया तो आपके पास क्या ऑप्शन है, यानी कि आपका जो वर्क परमिट है ऑलमोस्ट एक्सपायर होने वाला है, मे बी 10 दिन का रह गया। तो उस केस में पहला तरीका आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने ऑलरेडी PR फाइल कर दी है तो आप विजिटर रिकॉर्ड पे आ सकते हैं, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में डाला था, राइट। ये तो था पहला तरीका अगर आपका ऑलरेडी एक्सपीरियंस काउंट हो चुका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप स्टडी ले सकते हैं, फर्दर स्टडी लेके कनाडा में एज अ स्टडी परमिट पे आ सकते हैं। अगर आप नहीं जाना चाहते अपने होम कंट्री में, आप इंडिया नहीं जाना चाहते, आप पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, या किसी और भी कंट्री में आप नहीं जाना चाहते वापस, तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा वे आउट ये मैंने आपको बता दिया कि आप पोस्ट ग्रेजुएट आप अपनी स्टडी ले सकते हैं कनाडा में, आप स्टडी वीज़ा पे आ सकते हैं। तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर कर रहा है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपका 1 हफ्ते का वर्क परमिट रह गया, तो आप किसी प्रोफेशनल लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट से कंसल्ट कीजिए और उनसे बोलिए कि कहीं ना कहीं LMIA दिलवा दी जाए। तो LMIA पे आप आ सकते हैं। LMIA पे आगे फिर आप कुछ दौरान आप स्टडी परमिट पे रहेंगे, सॉरी विजिटर पे रहेंगे, क्योंकि आपके पास LMIA आने पे अप्रूव होता है। कई बार प्री अप्रूव्ड LMIA भी होती हैं, तो उस केस में आपका टाइम बच जाएगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट केसेस आप कर सकते हैं, या तो आप स्टडी पे आ जाइए, या LMIA पे आ जाइए, या फिर आप विजिटर रिकॉर्ड पे आ जाइए। केस बाय केस डिपेंड करता है, केस बाय केस पे सब कुछ होता है। ये भी हो सकता है कि अगर किसी ने नहीं करना फर्दर कंटिन्यू, अगर आप कनाडा में नहीं रहना चाहते, स्टडी आपकी कंप्लीट होगी है, वर्क आपने कर लिया है, पैसा आपने अच्छा जोड़ लिया, तो आप अपनी होम कंट्री भी जा सकते हैं। तो ये पूरा एक पर्सनल पर्सपेक्टिव है। ये मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज और ऑप्शंस दे दिए हैं कि आप ये कर सकते हैं। हाँ, एक और ऑप्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका 6 मंथ्स का वर्क परमिट रह गया, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि किसी का मे बी 1 साल का वर्क परमिट आया था, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, और उसका 6 मंथ्स का रह गया। अब उसके पास टाइम नहीं है, बट वो सोच रहा है PR अप्लाई करने के लिए, तो इस केस में आप पूरी ड्यू डिलीजेंट से इन्वेस्टिगेशन करके, पूरा रिसर्च करके, आप 2 ऐसी सिटीज़ बताता हूँ वहाँ जा सकते हैं। एक येलो नाइफ है और एक वाइट हॉर्स है। आज की डेट में कंडीशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है वहाँ पर, क्योंकि जितनी मेरी बात होती है लोगों से तो कहते हैं कि बहुत सारे अपने देसी स्टूडेंट्स आ चुके हैं, देसी आ चुके हैं, और काम ढूंढने में मुश्किल हो रही है। ये 2 सिटीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे बात नहीं बन रही, आप थोड़ा और अप नॉर्थ मूव कर सकते हैं, आप इनुविक जा सकते हैं। आप मैं वहाँ नहीं रहा हूँ, बट मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, वो भी वहीं पे है नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी में। अगर आपको एम्प्लॉयर सपोर्ट करता है, तो आप अगर वहाँ जाकर काम ढूंढ रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ 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 उस चीज़ को दिमाग में रखिएगा, वो चीज़ मत करिएगा। पूरी इन्वेस्टिगेशन करके, पूरी रिसर्च करके, अगर एम्प्लॉयर सपोर्ट कर रहा है तो आप वहाँ पर मूव कर सकते हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशनल वीडियो। अगर आपको थोड़ा सा भी कंटेंट मेरा अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आपको पता है क्या करना है, आपको शेयर करनी है वीडियोस, व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम ट्रेल्स टू कनाडा पे और यूट्यूब ट्रेल्स टू कनाडा पे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, इतना प्यार मोहब्बत बख्शने के लिए,
और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहा हूँ। अभी मेरे को बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, PNPs कवर करनी है, काफ़ी प्रोविंसेस की नहीं की मैंने, तो वो भी लेके आ रहा हूँ। फिर और नया नया कंटेंट ढूंढता रहता हूँ, रिसर्च करता रहता हूँ और आपके रूबरू लेके आता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, फिर मिलेंगे जल्दी आपसे, थैंक यू, बाय। तो दो चीज़ें आप और कर सकते हैं, मैं कभी वो रिकमेंड नहीं करता इसलिए मैं भूल गया था वो चीज़ें बतानी, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा वो। पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि आप 3-4 वे आउट कर सकते हैं अगर आप का वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है। इसके अलावा आप मैरिज करा सकते हैं, मैं कभी रिकमेंड नहीं करता वो, बट वे आउट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप साल में के असाइलम केस लगा सकते हो, बट वो मैं रिकमेंड नहीं करता, उसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, प्रोसेसिंग लंबी होती है। और ये 4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये आप कर सकते हैं अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है। बट जो लास्ट की दो चीज़ें मैंने बताई है, असाइलम एंड मैरिज वाली, वो आपका पर्सनल ओपिनियन है, आपकी लाइफ है, बट मैं कभी रिकमेंड नहीं करता वो। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, take care।